तो गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन, और आज अमित शाह इस वक्त बीरभूम में हैं, बोलपुर में हैं, और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन क्या कुछ आज अमित शाह ने कहा अपने मेगा रोड शो के दौरान, आइए आपको एक बार वो सुनवाते हैं। जो होने जा रहा है बंगाल।
सुनार बांग्ला बनाकर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह के रोड शो में, हजारों की भीड़ उमड़ी थी उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, और लोगों में जबरदस्त उत्साह था। उनके रोड शो के बाद बीरभूम के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, अनुपम मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, मेरा उम्र 30 साल हो गया, आज तक ऐसा भीड़ नहीं देखा बोलपुर शहर में। आज पूरा शहर अवरुद्ध हो गया, 1 से 2 लाख लोग पूरा रोड जैम कर चुका है, 100 से ज्यादा बस आ नहीं सका, मतलब 1000 एंड 1000 सपोर्टर्स यहां तक पहुंच नहीं सका, इतना भीड़ हो गया, पूरा बोलपुर चक्का जैम हो गया था आज। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सोमालो है। आप क्या करते हैं? आप लोकल है, बिजनेस करते हैं? यहाँ देखने आए थे? देखने नहीं, हम सपोर्टर है, आप कर्मी है। बदलाव तो जरूर होगा, जरूर बदलाव है, अन्याय अपशासन से बदलाव होगा, जरूर होना चाहिए, एक अत्याचारी सरकार से बदलाव होना जरूर चाहिए। निखिल घोष, हवा अच्छा है, माहौल अच्छा है। 2021 में हम लोग सरकार बनाएंगे, हम यहाँ का कार्यकर्ता है, बस दीदी का आउट और मोदी का इन। आपका नाम? तापस कुमार नंदी। क्या करते हैं? मैं यहाँ का जुबो का एक जनरल सेक्रेटरी था। भीड़ का मोहल्ला देख के सोच रहा हूँ 272 से ऊपर हो सकता है, 200 से ऊपर आराम से बीजेपी को मिलेगा अगली विधानसभा में। अरूप चौधरी, बोलपुर का हूँ, बिजनेस करता है, बहुत अच्छा माहौल है और बीजेपी जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी। ममता बनर्जी की हवा क्या कम हो रही है? मतलब अभी जो देख रहे हैं, जैसे इस तरह जो आदमी हम लोग का बोलपुर में लाइफ में फर्स्ट हुआ है, कभी कल्पना नहीं कर सका था जब रविन्द्र ठाकुर के अंदर बीजेपी का जिसका कुछ नहीं था, आज इतना आदमी आया। इसमें ममता दी तो जरूर समझ लेगा, जो वेस्ट बंगाल से और कुछ नहीं है उसका, जो है कमल फूल है। मेरा मानल दास है, मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, बोलपुर से ही हूँ। क्या देखा? अमित शाह को बहुत पास में देखे है, बहुत अच्छा लगा है, और 2021 में बीजेपी आएगा और दीदी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे इतनी भीड़, क्या इससे पहले आप लोगों ने देखी है इतनी भीड़ जो हुई? मैं तो बहुत ज्यादा लोग हो गया, बहुत है, हमको ज्यादा जो ग्राम का दूर से आ रहा है इतना पास नहीं दे पाया है, हम बहुत दूर से आए, पास नहीं था, बहुत लोग हैं। आपका नाम? हम यहाँ बोलपुर के निवासी है, मेरा घर है यूपी उत्तर प्रदेश। ऐसा रोड से जीवन में पहला बार देख रहा हूँ, मोदी जी का जो लहर चल रहा है वो लहर कामयाब रहेगा। दीदी तो गई, दीदी गई, दीदी तो आपसे बात करेंगे मैडम, आपको कैसा लगा ये जो देखा? अच्छा। ये कहाँ से हैं? मंगल से, बोलपुर से। इस तरह की भीड़ इससे पहले कभी हुई? नहीं नहीं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। अमित शाह को देखने के लिए इतने लोग? हाँ। हवा क्या, आपको क्या लग रहा है, हवा में बदलाव आ गया है, राजनीति की हवा में बदलाव आ गया है? हाँ, आ गया, महसूस होता है, आ रहा है। तो लोगों को आपने सुना, उनका साफ ये कहना है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, और बेहद खुश लोग अमित शाह को अपने बीच में पाकर। और आप ये देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मेगा रोड शो चल रहा था, अमित शाह का बेहद उत्साहित वो खुद भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जितनी भीड़ आज मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और आज आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि मैं महामानव को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। विश्व भारती शांति निकेतन में जो यूनिवर्सिटी है उसको देखने के लिए भी गए थे अमित शाह, और उन्होंने वहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर उसके बाद उन्होंने आज बाउल गायक के घर वो गए, उनका गाना सुना, उनके घर उन्होंने खाना भी खाया। और फिर तीसरी तस्वीर में आप देखिए जब मेगा रोड शो जो कि हनुमान मंदिर से शुरू होकर
शुरू हुआ था और फिर बेलपुर चौक तक गया था, वहां तक बीरभूम चौक तक गया था, वहां तक कई रोड शो और जबरदस्त भीड़, हजारों की भीड़ वहां पर उन्हें सुनने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि 5 साल इस बार आप नरेंद्र मोदी को दीजिए, हम सोनार बांग्ला बनाकर दिखाएंगे। लोगों से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप जो जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, क्या इन सालों में जब कम्युनिस्टों ने राज किया, जब कांग्रेस ने राज किया, तृणमूल कांग्रेस ने राज किया, क्या बंगाल का विकास हुआ है? तो सारे लोगों ने एक सुर में कहा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन तय है और ये परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उसे रोकने के लिए है, और 5 साल आप हमें दीजिए फिर हम आपको सोनार बांग्ला बनाकर दिखाएंगे। बेहद उत्साहित आज दूसरा दिन उनका पश्चिम बंगाल में, कल मिदनापुर में थे और आज उन्होंने बीरभूम में अपनी ये मेगा रोड शो किया जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आगे देखते हैं।